कैथल के गांव ग्रहणा में मिड डे मील घोटाले को लेकर ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल पर ताला जड़ दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने लॉकडाउन के दौरान मुख्य अध्यापक सतीश कुमार द्वारा मिड डे मील में घोटाला करने के आरोप लगाए हैं। इस दौरान ग्रामीणों का कहना था कि अधिकारियों के पहुंचने और आश्वासन मिलने के बाद ही ताला खोला जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान मुख्य अध्यापक सतीश कुमार द्वारा मिड डे मील में घोटाला किया गया है, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद मुख्य अध्यापक पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते स्कूल पर ताला जड़ दिया गया है। क्या मामला है सर, जो ग्रामीणों ने स्कूल को ताला लगा दिया है? जी, क्या मामला है पूरा? मामला मिड डे मील के बच्चों का पैसे से संबंधित था। सतीश कुमार टीचर ने जो पैसा था वो निकलवा कर बच्चों को लेट दिया, उसके हमने जांच करवा के और कार्रवाई के लिए डायरेक्टर एक को लिखा हुआ है। लोगों का आरोप है कि 2-3 बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, हमने उसमें समय पर कार्रवाई कर दी थी और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए डायरेक्टर को उचित रूप से लिखा हुआ। जो ही डायरेक्टर से हमें कार्रवाई की रिपोर्ट मिल जाएगी तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। हम बीओ ऑफिस में भी गए थे, बीओ के पास भी गए थे और पूरी हमारे सीएम विंडो में भी पूरी वो लगाई हुई है। उसके दौरान हमें बिल्कुल उन्होंने डराने की भी कोशिश की है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। हमने ये भी प्रशासन को दी थी लिख के कि ऐसे ऐसे हम मास्टर जी हमारे को बोल रहे हैं, धमकी सोसाइटी की धमकी है ये। और उन्होंने सभी पूरे ग्राम का हमने फैसला लिया है ये इकट्ठे हुए चौपाल पर, रूल चौपाल पर, कि सोमवार को हम बीओ डीओ को यहाँ स्कूल में बुलाएंगे प्रशासन को और स्कूल को ताला लगाएंगे। किस अधिकारी को शिकायत दी आपने? बीओ को भी दी है और डीओ को भी दी है। अभी तक कोई वो नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हो? हम कार्रवाई चाहते हैं, जो दोषी है हमारे स्कूल में हेड टीचर, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो भी उन्होंने पैसे का गबन किया है या मैंने उसका दोषी ठहराया जाए उसको, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कितने दिन पहले शिकायत की आपने? शिकायत दो ढाई महीने हो गई जी शिकायत करी। एक ही बार किया, कई बार की जा चुकी है? कई बार कर चुके हैं जी, वैसे भी पर्सनल तौर पर पंचायत उसको समझा चुकी है कई बार स्कूल में आके, लेकिन हमने चिट्ठी लिख रखी है वो के मुताबिक वो अपने पास वो मिड डे मील का चार्ज भी नहीं रख सकते। और हमारे वो है मैडम जी हैं प्रिंसिपल यहाँ सुनंदा जी, उनको भी डराते हैं भाई, वो भी कार्रवाई नहीं करती उनके खिलाफ। क्या मामला है जी आज ये जो ताला लगाया गया है? मामला जो है मिड डे मील में घोटाला, हमारे यहाँ पे सतीश कुमार जी हैं जो हेड मास्टर हैं, उन्होंने मिड डे मील में घोटाला किया लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन में 2 लाख से लगभग ऊपर ही है, कुछ ऐसा मतलब अनुमान हमारा है 2 लाख से ऊपर ही है, इससे कम तो है नहीं। उन्होंने मिड डे मील में घोटाला किया है। हमने मतलब शिक्षा विभाग को भी यहाँ पे कैथल बीओ को भी सूचित किया, उसके बाद हमने डायरेक्टर को भी सूचित किया, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, डायरेक्टर को भी चिट्ठी लिखी, कई जगह पर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। विजिलेंस को भी, विजिलेंस ब्यूरो को भी हमने चिट्ठी लिखी, लेकिन हमारी कहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद गाँव वालों ने पहले ही सूचित किया था, प्रिंसिपल मैडम को भी सूचित किया था, प्रिंसिपल मैडम ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, किसी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस कारण हमारे मजबूरन पूरे गांव की सहमति से ये हमने ताला लगाना पड़ा, कदम उठाना पड़ा। अतः हम ये अनुरोध करते हैं कि प्रशासन हमारी सुने और मतलब हम है ना जो बच्चों का एक बच्चों का खाना खा रहे हैं, बच्चों का खाना खा गए, वो पैसे भी बच्चों के खाना भी वो खा गए लॉकडाउन के दौरान जो उन्होंने गलत हरकत की है, इसके लिए हम न्याय चाहते हैं, पूरा का पूरा काम न्याय चाहते हैं। कितने घोटाले का अनुमान है आपका? 2 लाख से ऊपर का। आपका नाम? अनिल कुमार। क्या घोटाला हुआ है? ये मिड डे मील का घोटाला है जी, जो लॉकडाउन के अंदर बच्चों के पैसे आते थे खाने बनाने के, सूखा राशन इन्होंने कुछ बांटा है, कुछ खा गए ये खुद भी, और जो पकाने का पैसा था वो सब अजम कर गया सतीश कुमार, जिसमें प्रिंसिपल मैडम का भी हाथ है। शिकायत की आपने इसकी? शिकायत सबको भेज ली, डी ऑफिस को, DWO को, बीओ को, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अनिल विज को कर ली, शिक्षा मंत्री को, सीएम को, SD भूपेश्वर जैन। तो आज परेशान होकर स्कूल को ही ताला कर दिया? यही सारी ग्राम पंचायत का फैसला है गांव गुना का।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।